गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी बज रहे शाम के 6 और मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत दिनों से प्लान कर रहा था और आप सभी से शेयर करने की भी बहुत इच्छा हो रहा था। तो ये स्पेशली वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, तो आज का वीडियो है को मिलवाने वाले हैं बहुत ही एक मुझे लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है। वो मेरे बचपन के दोस्त भी, हम लोगों ने साथ में स्कूलिंग भी किए हुए हैं। तो आज आपसे मिलवाने वाले हैं नूगेन सुब्बा से, जो कि एक फ्लूट बजाते हैं। उम्मीद है कि आप सब उनको सपोर्ट करेंगे, उनको लाइक करेंगे, उनको ढेर सारा प्यार देंगे और वो मोटिवेट होंगे। तो आप सभी से मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। ऐसे सीक्रेट, मैं तो कहूँगा सीक्रेट सुपरस्टार है ना, मेरे लिए तो इतना ही है। तो आप, उम्मीद है आप सब इंजॉय करेंगे, उनको लाइक करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो उनसे मिलाने वाला हूँ, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। और नूगेन, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते गाइस, आज ऑन सडनली ये हुआ है। तो जो कि कुछ ऐसा कलाकार भी नहीं हूँ मैं, इतना बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ। फ्लूट बजाता हूँ मैं, जो कि मैंने फ्लूट 1 ईयर्स में सीखा था। सडनली मुझे कहा कि आज एक कंटेंट बना रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, कंटेंट इतना भी खास नहीं हूँ। बट आज दोस्त ने कहा कि आज मुझे एक कंटेंट है जो कि तुम्हारा फ्लूट का म्यूजिक चाहिए मुझे। तो गाइस, आज मैं कुछ आप लोगों को बजा के सुनाऊंगा गाइस। आप लोग ने सुनी लिया, बहुत कम समय पे मैंने आप ये प्रैक्टिस किया था। तो जितना हो सके आप लोग को मैंने सुनाने के बहुत प्रयास किया, जितना हो सके उतना आपको सुनाने के लिए कोशिश किया। तो गाइस, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो गाइस प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, गाइस एक बार कमेंट करके हमको बोल दीजिए कि हमको क्या यूट्यूब
मैं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए गाइस। तो यही था मेरा छोटा सा, बहुत अनसर्टेनली मैंने ये प्रैक्टिस किया था गाइस। तो बहुत मंथ, बहुत महीना के बाद मैंने ये खुद प्ले किया था, तो बहुत थोड़ा मिस्टेक भी हुआ होगा गाइस। इसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि और बेटर करूँगा इसको। आप लोग का सपोर्ट और प्यार मैं देखना चाहता हूँ गाइस, शेयर करना ना भूले गाइस इसको। और गाइस प्लीज लाइक टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब गाइस। और फाइनली गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ नए सीखने को भी मिला होगा, नए कुछ टैलेंट को भी आपको देखने का परखने का मौका मिला होगा मुझे लगता है। और आज मैंने आपको बताया कि ये मेरा दोस्त है, बचपन की दोस्त है, हम लोगों ने साथ में ही स्कूल कंप्लीट किया था। और अभी अपने प्रोफेशनल में, क्योंकि 12th तक तो स्कूलिंग लाइफ में सब एक साथ रहते हैं मजे मस्ती में, उसके बाद सब अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने अपने फील्ड में चले जाते हैं, तो इतना मिलना जुलना नहीं होता है। तो हमारे नुगेन भैया ने भी बहुत साल हो गया, क्यों ना कम से कम दो साल हो गया होगा, फ्लूट को इतना बजाए हुए नहीं, पहले सीखा था उसके बेसिस पे। आज मैं अचानक आ गया उनसे, मैंने कहा कि आपसे मिलने आ रहा हूँ, उन्होंने लेकिन बताया नहीं कि इस तरह फ्लूट बजाना है, इस तरह कंटेंट बनाना है, इस तरह से एक प्रकार से कहा जाए तो इनके लिए सरप्राइज ही था। लेकिन काफ़ी मज़ा आया, थोड़ा बहुत आपको जितना हो सके दो तीन गाना के दो तीन अंतर आपको सुनाए, दो तीन लाइन सुनाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नई सीखने को मिला होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नुगेन भैया भी चाहते हैं कि वो भी अपने यूट्यूब चैनल खोलें, लेकिन एक होता है कि अंदर से एक मोटिवेशन और सपोर्ट की आवश्यकता होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके, और वो भी अपने कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो टैलेंट है उनको आगे बढ़ाने के लिए वो आपके सामने आ सके नए कंटेंट और नए वेरिएंट करके। मैं यही कहना चाहूँगा। तो आज की वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, या इसी तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग और कुछ सीक्रेट फैक्ट और सीक्रेट सुपरस्टार से। तो चाहता हूँ आप सबसे अलविदा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई एनर्जी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ले जाता हूँ आप सबसे अलविदा, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।